नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआईटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम पाइप फिटिंग तथा शीट मेटल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो पार्ट नंबर जो हमारा रहेगा वह 38 रहेगा, पार्ट नंबर जो रहेगा हमारा 38 रहेगा। तो आइए पहले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, तरल पदार्थ के परिवहन का सर्वोत्तम साधन क्या है? जो तरल पदार्थ होता है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जो होगी वह पाइप फिटिंग के अंतर्गत हो जाएगा, पाइप हो जाएगा। स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध पाइप के इच्छानुरूप उपयोग में क्या सहायक होता है? स्टैंडर्ड जो आकार के होते हैं तो ए और बी दोनों हो जाएगा। एसेसरीज मतलब दो पाइपों को आपस में जोड़ने का काम करती है, उसमें इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं। पाइप औजार मतलब उसको खोलने तथा कसने के लिए, क्या दो पाइपों को एडजस्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम और अस्थाई बंधक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा पाइप फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे हमारा दोस्तों, तो पाइप फिटिंग के टूल के द्वारा निम्न में से क्या गतिविधियां किया जाता है? पाइप फिटिंग टूल के द्वारा तो पाइप लाइन के फिटिंग सबसे पहले, चूड़ी कर्तन, चूड़ी काटना, उसके ऊपर एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पाइप मोड़ना या टाइट करना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द्रव अथवा गैस डाटाडाट द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, दाब और अंतर के द्वारा गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। दबाव दिया जाता है द्रव तथा गैस पे तब वह गंतव्य स्थान पे पहुंचती है। नेक्स्ट है नलकारी में पाइप का उपयोग किया जाता है, तो मशीन के विभिन्न भागों को लुब्रिकेंट तेल पहुंचाने के लिए पाइप का हम प्रयोग करते हैं। नगरों में घर घर पानी पहुँचाने के लिए पाइप का प्रयोग करते हैं। बॉयलर बॉयलर वाटर को बॉयलर तक पहुंचाने के लिए हम पाइप का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइप की माप उसके डाटाडाट व्यास से तथा ट्यूब की माप उसके डाटाडाट व्यास से ली जाती है, तो पाइप की माप जो कह रहा है वह जो पाइप होता है उसके आंतरिक तथा व्यास वाला जो रहेगा उसके बाहरी डाया से लिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बट ऑप्शन इसमें सी कुछ लोग टिक लगाए हैं, लेकिन इससे मतलब नहीं है, अर्ध तथा आंतरिक से नहीं होगा, अर्ध रेडियस से हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक तथा बाह्य से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। जो सूचियाँ हैं उसको सम्मिलित करना है। जीआई पाइप जो होता है वह किसके लिए होता है? तो ए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, तो ए का दूसरा हो जाएगा। तो पीने के पानी के लाइन में घरों में जीआई पाइप, गैल्वेनाइज आयरन का पाइप प्रयोग करते हैं। लेड पाइप बी का तीसरा हो जाएगा, तो एसिड लाइन में प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम पाइप की बात यहाँ पे कर रहा है, तो सी का चौथा हो जाएगा। हवाई जहाज के पाइप लाइनों में कंड्यूट पाइप, तो बिजली के अंडरग्राउंड वायरों में कंड्यूट पाइप का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे पाइप का अंतः व्यास इंटरनल डायमीटर दर्शाया जाता है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलीमीटर इंच में सबसे ज़्यादा, बल्कि ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है, क्योंकि सेंटीमीटर में बहुत कम, बल्कि इंच में मिलीमीटर में लिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम मान सकते हैं कि बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट है बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो के अपेक्षा क्या होता है? तो बैंड वाला एल्बो का अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे यूनियन का उपयोग किया जाता है और अस्थाई जोड़ बनाने के लिए, जब हम चाहें खोल सकते हैं, जब हम चाहें टाइट कर सकते हैं। पानी की टोटी के लिए वाशर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ रबड़ होता है तथा लेदर दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जीआई पाइप निम्न में से किस मानक लंबाई में उपलब्ध होते हैं?
तो 5 इंच के मानक लंबाई में उपलब्ध होते हैं। निम्न में से कितने व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहा जाता है? तो 12 mm से कम व्यास वाले पाइप को ट्यूब कहेंगे, उससे अधिक वाले को हम ट्यूब नहीं कहेंगे, निम्न में से उसको पाइप बोलेंगे। निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइपलाइन के किसी सिरे को बंद किया जाता है? तो प्लग का प्रयोग करके उसके आगे वाले सिरे को हम क्या करते हैं, बंद कर सकते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके नट और बोल्ट को या बोल्ट से कसकर पाइप की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है? तो फ्लंज को कस के पाइप की लंबाई को हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। फ्लेंज एक चपटा वाला पार्ट होता है, कुछ इस प्रकार के हर पाइप में होती है। तो ये जो पार्ट होता है, यहाँ पे नट और बोल्ट कस के हम उसके लंबाई को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है पाइप पर चूड़ियाँ काटने के लिए? तो पाइप डाई का प्रयोग करेंगे यहाँ, ये इसके द्वारा एक्सटर्नल मतलब बाहरी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप के अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती हैं? तो अंदरूनी चूड़ियाँ तो पाइप टैप इसमें हो जाएगा, टैप के द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटा जाता है। पाइप को कसने या ढीला करने के लिए किस प्रकार के रेंच का प्रयोग किया जाता है? तो चैन रेंच का हम प्रयोग करेंगे, कसने तथा ढीला करने के लिए चैन रेंच का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइपलाइन दिशा को 90 डिग्री के कोण में बदला जाता है? 90 डिग्री मतलब इस प्रकार का, तो यह एल एच के आकार का है, तो इसे एल्बो बोलेंगे, 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के पाइप पर कैप का प्रयोग किया जाता है? तो बाहरी थ्रेड वाले पाइप पर कैप का प्रयोग हम कर सकते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके अलग अलग व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ा जाता है? तो रेड्यूसिंग साकेट के द्वारा अलग अलग व्यास के दो पाइपों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के चूड़ियाँ कपलिंग में की जाती हैं? तो बाहरी और इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, आंतरिक के लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका परिवहन पाइप द्वारा सरलता पूर्वक होता है? पाइप के द्वारा तो तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ये सभी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप और कंट्रोल वाल्व को जोड़ा जाता है? पाइप तथा कंट्रोल वाल्व तो फ्लैंज के द्वारा जोड़ा जाता है, ये बिल्कुल आसानी के द्वारा जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो निडल वाल्व का सूक्ष्म के लिए प्रयोग कर सकते हैं। निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग पाइप की अस्थायी जोड़ बनाने के लिए किया जाता है? तो यूनियन जोड़ जो होता है वह अस्थायी जोड़ बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ स्टॉप वाल्व का प्रयोग किया जा सकता है? तो मेन लाइन के बीचों बीच में मध्य में हम स्टॉप वाल्व का प्रयोग कर सकते हैं। निम्न में से किस कार्य के लिए पाइप फिटिंग टूल्स का प्रयोग किस कार्य के लिए हम पाइप फिटिंग का प्रयोग कर सकते हैं? तो चूड़ी कर्तन के लिए, पाइप लाइन के फिटिंग के लिए, पाइप मोड़ने व टाइट करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें से सारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस रिवेट की लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है उसे क्या कहेंगे? तो काउंटर सैंक हेड रिवेट कहेंगे, जिसके हेड की लंबाई भी मापी जाती है। 3.5 मोटी प्लेट के दो चादरों में स्नैप हेड रिवेट लगाना है, कितना? 3.5। ठीक है, स्नैप हेड लगाना है, इसकी लंबाई निम्न कितना हो सकती है? तो 3.5 के लिए 10.0 mm के रिवेट की लंबाई होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चादर के मुड़े हुए किनारे को किस नाम से जाना जाता है? तो हैम के नाम से जाना जाता है। ये दो धातु के मान लीजिए चादर हैं, इसके मुड़े किनारे की बात कर रहा है, तो हैम के नाम से जाना जाता है। स्नेप का उपयोग किया जाता है तो पतले कारखंड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है,
स्नीप द्वारा कटाई करते समय शीट को ब्लेड के किस भाग से काटना चाहिए? तो अधिकतम भाग से, जहाँ पे सबसे अधिक भाग होता है वहीं से काटना चाहिए। नेक्स्ट है, पाइप का थ्रेड होता है तो समान होता है, जो पाइप पे थ्रेड कटे होते हैं बिल्कुल एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइप पर बने होते हैं, पाइप बने होते हैं तो बिल्कुल गोल आकार में बने होते हैं। ब्रास पाइप का प्रयोग होता है तो हवाई जहाज जो होता है उसमें ब्रास पाइप का प्रयोग करते हैं। जीआईपी का पूरा नाम क्या होता है? तो ग्लेनाइज्ड आयरन पाइप होएगा जीआईपी का फुल फॉर्म। इसमें मैलेट का उपयोग है के लिए किया जाता है, तो हल्के कार्य के लिए हम मैलेट हैमर का प्रयोग है करते हैं। एल्बो जोड़ता है, तो एल्बो जो है वह 90 को जोड़ता है। इस प्रकार के उसके सिंबल बनेंगे, यहाँ 90 वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, सॉकेट के आकार निर्भर करता है, तो पाइप पर सॉकेट का आधार निर्भर करता है। ढलवा लोहे का पाइप प्रयोग होता है, तो जो ढलवा लोहे का पाइप प्रयोग होता है जमीन के अंदर के पाइप में, हम ढलवे लोहे का पाइप का प्रयोग करते हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाला पाइप रबड़ या नायलोन होता है, रबड़ या नायलोन होता है। नेक्स्ट है, फ्लैट और राउंड की ब्रास हुक को बैंड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो बैंडिंग बॉक्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, फोल्डर्स का प्रयोग किया जाता है, तो समकोण में शोल्डर्स बनाने के लिए फोल्डर्स का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लोब वाल का प्रयोग है किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो भाप, वायु, जल, इन तीनों को नियंत्रित ग्लोब वाल करता है। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसमें पानी के बहाव के लिए गेट वाल्व का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस वाल्व को चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है? तो नॉन रिटर्न वाल्व को चेक वाल्व के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ पर पानी का वापिस दाब बनाने का चांस हो वहाँ किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पर ये बात कर रहा है, तो नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग हम कर सकते हैं। जहाँ पानी का दाब तेज होता है वहाँ किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो प्लग काक का प्रयोग किया जाता है। सीयर के कटिंग ब्लेडों में कितने कोणों पर ग्राइंडिंग की होती है? तो 81 से लेके 87 डिग्री पर ग्राइंड की होती हैं जो ब्लेड होते हैं। नेक्स्ट है, चादरों में छिद्र करने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो खोखला पंच, ठोस पंच, बीना पंच, ये तीनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। चादरों को गोल में मोड़ने के लिए स्टेक का उपयोग किया जाता है, तो भीक आयरन स्टेक और हैचर स्टेक, ये गोलाकार में करने के लिए इन दोनों आयरन स्टेकों का प्रयोग कर सकते हैं। भीक आयरन स्टेक समतल आधार पर किस संक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रिवेटिंग तथा स्ट्रेटनिंग के लिए हम दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, की पे बनाने के लिए बी कारण स्टेक के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो सिंग भाग का प्रयोग किया जाता है। किस स्टेक की आकृति एनविल जैसा होता है? तो बी कारण स्टेक, मतलब उसके आगे का पार्ट जो होता है गोल होता है और पीछे का पार्ट है आपके एनविल जैसे होता है। चादरों को सीधा मोड़ने या मोड़ देने में कौन सा स्टेक सहायक होता है? तो हैचर स्टेक का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रे बनाने के लिए किस स्टिक का प्रयोग में लाया जाता है? तो इनमें से नहीं है जो ऑप्शन इसमें है। चादर को वृत्ताकार मोड़ दर्द देने के लिए किस स्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचंद्राकार स्टिक का प्रयोग किया जाता है। बर्तन के फ्लेज बनाने के लिए किस स्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचंद्राकार स्टिक का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फनल स्टेक का प्रयोग किया जाता है, तो फनल स्टेक शुष्क आकार की वस्तुओं में जोड़ लगाने से फनल स्टेक का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्लेनसिंग एनविल के ऊपरी भाग होता है,
तो समतल होता है। सिर के किनारों को मोड़ने या मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वायरिंग होती है। जैसे बाल्टी है उसके चारों तरफ वायर लगाएंगे तो वायरिंग वाली प्रक्रिया हो जाएगी। रिवेट लगाने में रखी जाने वाली सावधानियों में कौन सी सावधानी नहीं होती है? तो सीट के धातु का एक ही रिवेट का प्रयोग करना, ये क्या है? सावधानी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाप के फ्लेंज वाले भाग को ड्रेस करने से उसमें सुराख करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लेनसिंग एनविल का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हेम का प्रकार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है हेम का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस कार्य के लिए बैट स्निप बैंड, ये बैट नहीं है, ये बैंड स्निप का प्रयोग किया जाता है? तो कर्व लाइन के साथ साथ सीट को काटने के लिए बैंड, मतलब अंदरूनी होल को काटने के लिए बैंड स्निप का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेट स्निप का बाहरी सिरा को काटने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए सीट मेटल में हैंड ग्रूवर का, कहाँ पर ब्रास की सीट कैसी होती है? तो मैलिएबल तथा डक्टाइल होती है। निम्न में से किसके प्रयोग से मैलेट का निर्माण होता है? तो हार्ड लकड़ी के प्रयोग से मैलेट का निर्माण होता है। छत निर्माण कार्य के लिए किस ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं? तो लैप ज्वाइंट का प्रयोग हम आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच किए गए सुराखों को चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। एक शीट का सिरा दूसरी शीट के सिरे पर रखकर आपस में शोल्डर से जोड़ने का कार्य किस ज्वाइंट पर किया जाता है? तो लैप ज्वाइंट पर किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखकर। निम्न में से किस प्रक्रिया को करके ही सीट मेटल का कार्य किया जाता है? तो रोल करके सीट मेटल का कार्य हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस कारण से एल्युमिनियम के सीट का प्रयोग किया जाता है? तो लाइटनेस के कारण से एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नोच का प्रयोग करके जाप को 90 डिग्री पर बैंड किया जा के साथ बनाया जाता है? स्लॉट नोच को, स्लॉट नोट जो होता है वह 90 डिग्री के ग्रुप में बना होता है। स्लॉट नोट जो होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है, जो इसका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री।